नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मेरा लाइव आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि आज सुबह से एक भी ब्लॉग नहीं गया है, क्योंकि ना मेरी तबीयत ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो इसके वजह से एक भी ब्लॉगिंग नहीं किया है मैंने। तो देखती हूँ, थोड़ा आवाज़ से भी आप लोग को लग ही रहा होगा, क्योंकि ना बुखार हो गया है और पता नहीं कैसा तो लग रहा है मुझे। तो देखती हूँ, जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन ना क्या बोलते हैं वो दवा थी वही खा लिया, तो थोड़ा आराम मिल गया, क्योंकि दवा मेरे पास थी पहले की बुखार की। तो देखती हूँ, अगर नहीं आराम होगा तो कल जाऊँगी डॉक्टर के पास, मतलब बोलने को भी नहीं हो रहा है। तो और मैंने ना बहुत सारा शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग देखें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत ही मेहनत लगती है, तो उसी के वजह से क्या करें दोस्तों, मुसीबत ना कम ही नहीं होती, एक ना एक आती रहती है, तो क्या करेंगे, आना जाना लगा ही रहता, मुसीबत है, क्या करेंगे, जो आया है उसको तो हमको पार करना ही है, कोई बात नहीं। अभी इतना दिन तक ना मेरा दांत बहुत दर्द किया था, दांत दर्द की वजह से मैं परेशान थी, अभी दांत दर्द ठीक हुआ तो बुखार होना चालू हो गया। बुखार मतलब कैसा आता है और फिर चला जाता है, खुद ही बुखार आएगा और दवा वगैरह खा लूँगी, और नहीं भी खाऊँगी तो शाम तक उतर जाएगा, फिर सुबह चढ़ जाएगा, फिर सुबह मतलब शाम को उतर जाएगा, ऐसा पता नहीं क्या है, अजीबोगरीब बुखार भी आ रहा है, उसको भी अपने मन का बुखार भी अपने मन मौजी हो गया है, उसको जो मन करता है वही करता है, तो क्या करेंगे, अभी समझ में नहीं आता है और बोलने में भी नहीं हो रहा है दोस्तों, क्या बताएं। तो मोबाइल रख दिया है मैंने स्टैंड पे, और क्योंकि हाथ से पकड़ा हुआ था मोबाइल मैंने, तो हाथ दर्द कर रहा था, अभी जैसे तैसे करके, क्योंकि दोस्तों देखिए यही हमारा काम है, तो हमको जो काम हमारा है वो तो हमको करना ही है, चाहे कैसे भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, तबीयत ठीक है नहीं है, जो काम है वो तो करना ही है, उसके लिए तो हम बहाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो हम पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि हमें करना ही है, अपनी जान रहे तो आदमी पीछे भी हट जाए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने अपने लिए कौन करता है, अपने अकेली जान है तो कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे, तो उनके लिए बहुत कुछ करना है, तो इसलिए पीछे नहीं हट सकते दोस्तों। हस्बैंड भी बोलते हैं कभी कभी थक जाते हैं, मन नहीं करता है काम करने का, लेकिन बोलते हैं क्या करेंगे शालू, लेकिन ना इतनी जिम्मेदारी है कि हम आराम नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जो जिम्मेदारी है उसको हमको निभाना ही है, तो जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तो करना ही होता है। देखिए इंसान है सब लोग, हम भी इंसान ही हैं, तो थक जाते हैं काम करते करते, सभी लोग थक जाते हैं, मेरा नहीं, सभी लोगों का है, जो क्योंकि थोड़ा ज़िंदगी में आराम तो थोड़ा, देखिए सबको लगता है कि एक हफ्ता अगर आप कार ड्यूटी भी करते हैं तो आपको लगता है कि एक दिन तो रेस्ट मिलना चाहिए, थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो हमको भी अच्छा लगता ही है। तो देखिए दोस्तों, आराम सबको ही अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है, आराम सबको अच्छा लगता है, लेकिन जिम्मेदारियों से हम पीछे नहीं भाग सकते, तो वो हमें निभाना ही है, और क्या ही बताएं, आजकल के डेट में पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं पैसे को इतना वैल्यू नहीं देती, मैं पैसों को कुछ समझती नहीं हूँ, क्योंकि पैसा जो है ना वो अपने हाथ में है, पैसा हम जितनी मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत होती है रिश्तों की, इंसान की, इंसान के साथ जैसा हम बिहेव करेंगे ना वो हमारे साथ जाएगा, हमारा अच्छा कर्म हमारे साथ जाएगा, पैसा तो आज नहीं कल आता जाता रहता है, पैसा का क्या है, पैसा आज जितनी हम मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा, नहीं मेहनत करेंगे नहीं आएगा, आज आराम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, मेहनत करेंगे तो ज़रूर आएगा, मेहनत करने वालों के साथ ही भगवान भी होते हैं, तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा सुना था मैंने, और सच बात भी है। और एक बात और है दोस्तों, मैं बता दूं कि हर एक बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है, तो अगर तो भगवान वो नहीं करते दोस्तों कि जो हमें अच्छा लगता है, भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, तो जो हमारे लिए अच्छा होता है भगवान वही हमारे लिए करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ में, लेकिन बाद में पता चला उसके पीछे जब कुछ अच्छा हो जाता है तब वो चीज़ याद आता है कि हाँ भगवान ने ये चीज़ किया था, तो ये अच्छा होने के लिए भगवान ने किया था। मेरे साथ कल ही एक ऐसी घटना हुई थी, मैं बताऊँगी आप लोग को वीडियो में, इसका भी मैं वीडियो बनाऊँगी, अभी नहीं, थोड़ी मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए फिर मैं आप लोग को बताऊँगी वीडियो में भी, कि कुछ बुरा हुआ था तो मैं बहुत रोई थी कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, नहीं होना चाहिए था, तो हस्बैंड बोले ठीक है जाने दो, हर एक बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है,
फिर मेरा ना मैं भगवान से बहुत झगड़ा कर रही थी कि हर मतलब हर समय हम ही क्यों परीक्षा दें, और मैं बहुत रोई उस समय कि आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। लेकिन मुझे थोड़ा दिन हुआ उसका रिज़ल्ट मिला, फिर मुझे समझ में आया कि भगवान ने शायद इसीलिए वो चीज़ किया था कि जब मुझे ये रिज़ल्ट मिला ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने वो चीज़ देखा कि मेरे साथ ये चीज़ हो गया, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं इतना मतलब फिर भगवान के पास जाके मैंने इतना भगवान से माफ़ी मांगी कि मुझे नहीं पता था भगवान जी, और ये काम हुआ मेरा 6 महीने के बाद में। फिर मैंने भगवान से माफ़ी मांगा, क्योंकि मेरा उस समय मैं बहुत गुस्सा थी। भगवान को मालूम है कि उस समय मैं किस स्थिति में थी, तो भगवान के साथ और अपनों से ही आदमी झगड़ा करता, और किसके पास जाऊंगी मैं झगड़ा करने। तो मेरे लिए भगवान ही मेरे सब कुछ है, तो भगवान से झगड़ा भी करती हूँ, भगवान से शिकायतें भी करती हूँ, भगवान के सामने जब खुशी होती हूँ तो उन्हीं के सामने सिर भी झुकाती हूँ। तो भगवान को पता था कि मैं जब निराश हो गई थी, जब झगड़ा कर रही थी, तो भगवान को ये पता था। भगवान तो समझ रहे थे कि मुझे तो कुछ और करना है, इसको कर लेने दो जो करना है। फिर जब मुझे उस चीज़ का रिज़ल्ट मिला, तुरंत नहीं मिला, 6 महीने बाद मिला, फिर मैं इतनी खुश हुई। आज 1 हफ्ता हो गया मुझे उस रिज़ल्ट मिले, मैं इतनी खुश हुई कि पूछिए मत। तो हस्बैंड ने बोला, देखा तुम्हारा भगवान ने सुन लिया, तो अगर उस समय अगर ये काम तुम्हारा हो गया होता तो शायद आज तुमको ये रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो उस समय होता तो तुमको कोई मतलब थोड़ी सी खुशी होती, लेकिन आज जो काम हुआ है उसकी खुशी तुमको कैसे लग रही है? तो सच बात है, तब मुझे याद आया कि ये सच बात है, हर एक बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है। भगवान कुछ बुरा करते हैं तो सोच लो इसके पीछे उन्होंने बहुत कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया है। तो जो हमें अच्छा लगता है वो भगवान नहीं करते हैं, जो उनको हमारे लिए अच्छा लगता है वो करते हैं। तो भगवान कभी डूबने नहीं देते हैं दोस्तों हमको, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान ऐसा खींच के बाहर निकालते हैं ना 20 समुद्र में से, कि पता ही नहीं चलता है कि हम यहाँ पे फंसे भी थे। डूबते हैं तो ऐसा लगता है कि अब कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा है, अब करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, ये समझ में नहीं आता है। और क्या बेटा मेरा, क्या लल्ला, बच्चे नीचे गए उसको लेके नहीं गए, वही झगड़ा कर रहा है मुझसे। हाँ लेके अभी मैं लेके चलूँगी बेटा को अपने, अभी खाना खा के फिर चलेंगे ना, तब मेरा बेटा चलेगा ना मम्मा के साथ में, ऐसे सुन रहा है ऐसे करके। हाँ मेरा बाबू चलेगा, अभी तो अभी बेटा ने दूध भी नहीं पिया है, दूध पी लो। तो अभी झगड़ा कर रहा है मुझसे, सब चले गए नीचे तो नहीं ले गए उसको। तो वही मैं बता रही हूँ दोस्तों, हर एक बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है, तो आप लोग भी कभी मत घबराइएगा, कुछ भी हो जाए भगवान परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कि ये कब तक बर्दाश्त कर सकता है। तो लेकिन जब फल देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं उस समय बहुत दुखी हुई थी, हस्बैंड भी बहुत समझा रहे थे, मैं नहीं चुप हो रही थी, बहुत रो रही थी। फिर बोले आप बताओ अब तुमको कैसा लग रहा है, मैं बोली मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं इतना डांस कर रही थी खुशी के मारे, इधर कूद रही थी उधर कूद रही थी। तो फिर हस्बैंड बोले अब बताओ ये खुशी अच्छी थी कि वो समय की खुशी अच्छी थी। मैंने बोला नहीं ये खुशी अच्छी थी, ये 10 गुना ज़्यादा खुशी भगवान ने दिया है। तो बोल रहे हैं इसीलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमको परीक्षा दे के पास होना है, मुसीबत तो आती जाती रहती है। तो सच बात है दोस्तों, अगर कभी भी हम कहीं भी फंस जाते हैं ना, तो भगवान ऐसा उसका रास्ता बताते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे क्या बताऊँ मैं, टीवी पिक्चर में तो आप देखते ही होंगे कि तुरंत चमत्कार जैसे हो जाता है, तो सच में मेरे साथ वैसा ही होता है। मैं जब भी भगवान के सामने अपने रो देती हूँ, तो भगवान मुझे कभी खाली नहीं आने देते हैं अपने शरण से, तुरंत कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चमत्कार मेरे ज़िंदगी में आ ही जाता है, और फिर मुझे वो चीज़ याद आती है कि, तो इसलिए मेरे लिए मेरे भगवान ही सब कुछ है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये ब्लॉग, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करिए, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग जैसे अपना सपोर्ट करते हैं ना, वैसे सपोर्ट करते रहिए, और मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का साथ देख के जो मुझे हिम्मत मिलती है ना,
तभी मैं आज यहाँ हूँ, नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं होती। आप लोग का अगर साथ नहीं होता तो, आप लोग का साथ ही है जो मैं आज यहाँ तक हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। तो बाय बाय दोस्तों।